खबर राय बरेली से है, जहां सरेनी ग्राम सभा लालू का पुरवा मजरे बेनी माधवगंज में राम नरेश त्रिवेदी ने अपने गांव में ही भागवत कथा का आरंभ किया, जिसमें भागवत कथा कहने के लिए चित्रकूट से डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा महाराज द्वारा 7 दिन लगातार भागवत कथा सुनाई जाएगी। 7 दिन के भागवत कथा चलने के पश्चात राम नरेश त्रिवेदी ने बताया कि कथा का समापन 11 तारीख को होगा। 11 तारीख को ही विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। पंडित राम नरेश त्रिवेदी ने बताया कि भागवत कथा का मुख्य उद्देश्य गांव व शहर के लोगों के लिए सुख शांति और समृद्धि के लिए भागवत कथा कराई जाती है। भागवत कथा सुनने के बाद मन शांत महसूस करता है। पंडित राम नरेश त्रिवेदी ने कहा कि भागवत कथा कराना और भागवत कथा सुनना बहुत ही पुण्य का काम है और मैं सभी से यह निवेदन करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग लालू मऊ ग्राम पहुँचे और भागवत कथा सुनकर मन को शांति प्रदान करें। क्या नाम है आपका? राम नरेश त्रिवेदी। आज आपने क्या प्रोग्राम रखा है? आज हम कलश यात्रा करने जा रहे हैं। क्या है आपका? भागवत है और बालाजी की स्थापना है 7 तारीख को और 10 तारीख तक भागवत चलेगी, 11 तारीख को भंडारा है। पंडित जी आप अपना पूरा परिचय बता दीजिए। जय राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप कुमार शर्मा, मैं चित्रकूट से आया हूँ और श्रीमद् भागवत महाप्रायण जो सब दिवसीय है यहाँ पर प्रारंभ होगा और 10 तारीख को समाप्त होगा। यजमान राम नरेश त्रिवेदी जी, और मैं आशा करता हूँ यहाँ पर सफल कार्य होगा और गांव का कल्याण होगा।